हेलो, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के अंदर हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं और हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी के आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपना टॉपिक था कि किस तरीके से बैटल ऑफ पलासी के बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 के अंदर सिराजो दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजो रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और वो मीर जाफ़र को क्या करते हैं, नवाब बना देते हैं। लेकिन जैसे ही मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है तो बिहार के अंदर भी बहुत जगहों पर विद्रोह स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे राजा राम नारायण जी रिवोल्ट किए, कंगार खान थे नरहट के, वहाँ पे भी उन्होंने रिवोल्ट किया, टिकारी के थे सुंदर सिंह, उन्होंने रिवोल्ट किया, भोजपुर के थे पहलवान सिंह, उन्होंने विद्रोह किया, सिरिस के थे बिसुन सिंह, उन्होंने विद्रोह किया। ये नाम ध्यान में रखेंगे हम लोग कि फ्रेंच ट्रैवलर हुआ करते थे जॉन लो, उन्होंने भी अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन पहले आयरकोट, फिर क्लाइव, फिर बाद में मीर जाफ़र, सब ने मिल के इन विद्रोहों को दबा दिया। तो यानी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट इस विद्रोह का हुआ नहीं था। एक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस के अंदर अली गौहर के बारे में, ठीक है, अली गौहर मतलब शाह आलम टू, ठीक है, जो आपके बैटल ऑफ बक्सर के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। तो कहा जाता है कि इसने भी जो है आपका सपोर्टेड बाय फ्रेंच जॉन लॉ, लेकिन क्लाइव ने इसको सप्रेस किया। अली गौहर फिर मुग़ल एम्पायर बनते हैं, फिर से 1760 के अंदर वो अटैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कामगार विद 5,000 सोल्जर्स, लेकिन ट्राई टू स्टार्ट बाय राम नारायण बट गॉट डिफीटेड और वो पटना को चारों तरफ से जो है घेर लेता है। मेजर नॉक्स करके थे, उन्होंने इनको हरा दिया। उसके बाद जो है फिर इनकी जो है ताज पोसी होती है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1761 में मीर काशिम को जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, बैटल ऑफ मतलब कि कोरोनोसन किया जाता है, और फिर जो है आपका 1761 में मीर काशिम नवाब बनेगा। अब वहाँ पे अंग्रेज़ जो थे दस्तक का यू मिसयूज़ कर रहे थे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता था विच अथॉरिटी इज़ जो है मिसयूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो याद रखेंगे दस्तक। तो कहता क्या है बेसिकली कि ये बोलता है कि नहीं भाई टैक्स तो देना पड़ेगा। तो जो है वेंसी टाट थे और हेस्टिंग्स थे वो तो मान हो गए कि चलो भाई चुंगी जो है हम क्या करेंगे दे देंगे, ठीक है, लेकिन बाकी जो है इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं किए। तो जो है मीर कासिम ने क्या किया, इंडियन ट्रेडर्स को भी चुंगी से क्या किया, फ्री कर दिया, जिसके वजह से वॉट्स और एलिस जो थे गुस्सा हो गए, उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। और 24 जून 1763 में एलिस जो है वो आपके किस पे अटैक करता है, पटना पे अटैक करके अपने एरिया को कंट्रोल में कर लेगा। मीर कासिम को पता चला कि भाई पटना में ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो मीर कासिम जो है पटना पे अटैक करता है, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को जो है वो मार देता है। और यहाँ पे एक फ्रेंच सोल्जर का नाम आता है सोमारू, ठीक है, जो कि नवाब की जो आर्मी थी उसका हेड था, उसी ने ऑर्डर दिया था कि ब्रिटिशर्स को मार डालो। तो फ्रेंच सोमारू ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। 1770 के अंदर नोनिया विद्रोह जो है एक फेमस विद्रोह है आपका। नोनिया एक जाति हुआ करती थी जो बेसिकली जो सोडा होता है सॉल्ट पीटर, जिससे बारूद का फॉर्मेशन होता है, गन पाउडर का फॉर्मेशन होगा, उसकी जो है यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, निकालते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है अब एकाधिकार ले लिए, तो उन लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर कहा जाता है कि 1781 में बनारस के राजा हुआ करते थे चैत सिंह, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो कांगार खान के बेटे थे इकबाल अली खान और सिरिस के जो है आपके इमाम जमींदार हुआ करते थे नारायण सिंह, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया।
बाद में हेस्टिंग्स जो है इन विद्रोह को क्या करता है, आपका दबाता है। 1798 अवध के वजीर अली थे, उन्होंने रिवोल्ट किया, तो बिहार के टिकारी राजा थे मित्रजीत सिंह, उनके सहयोग में उन्होंने भी रिवोल्ट किया। बाद में मिलिट्री के मदद से इसको सप्रेस कर दिया गया। वहाबी आंदोलन भारत के अंदर लेके आए थे सैयद अहमद साहिद, जिनका जन्म 1786 रायबरेली में हुआ था। पटना में ये लगभग 1821 के अंदर आया, और इनकी मृत्यु जो होती है वो सिख सेनापति शेर सिंह के साथ लड़ाई करने में होती है। और पटना के अंदर जो वहाबियों के मेन लीडर थे विलायत अली और इनायत अली, सेंटर था मेनली पटना और सिताना, और इनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था, अहले हदीस। तो ये चीज़ें अपन क्या करेंगे, याद रखेंगे। थैंक यू।